गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। कई दिन से हमने ब्लॉग नहीं बनाया, आज दो तीन दिन के बाद शुरू कर रहे हैं। तब तक शॉर्ट्स बना रहे थे, आप लोगों ने देखे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बस ये घर का रूटीन काम कर रहे हैं, आपको दिखाएंगे क्या क्या कर रहे हैं। गांव में जो नॉर्मली होता है वो दिखाएंगे क्या कर रहे हैं बोल के। उसे दोगी तो कुछ थोड़े थोड़े बाहर का भी दिखा पाएंगे। और आज इतनी धूप भी अच्छी आई हुई नहीं है, मौसम ऐसा ही अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। तो बेटा सफाई चल रही है, क्या करें, अब स्कूल जाना है। स्कूल जाने से पहले सफाई चल रही है। चलो चलो ठीक है, बढ़िया है, काम भी करना चाहिए, एक्सरसाइज होता है ना। आजकल पढ़ाई तो हो रही है ना स्कूल में? हाँ, पढ़ाई हो रही है स्कूल में, पर हमें अपने घर को बड़ी साफ सफाई भी रखनी चाहिए, क्योंकि गंदगी होगी बीमारियाँ भी पैदा होगी, और बीमारी हमारे लिए हमें बीमारियों से सुरक्षा चाहिए, तो हमें अपने घर की साफ सफाई रखनी जरूरी है। बड़ी बात है बेटा, बड़ी बात है, बहुत कुछ सीखा हुआ है। स्कूल में सिखाया या खुद कहाँ से पढ़ाया ऐसी चीजें? स्कूल में शॉर्ट कैसे है ये देखिए, हमने गमले में मिर्च फेंकी थी। मिर्च के कितने अच्छे प्यारे पौधे उगे हुए हैं, अब इनको लगाना पड़ेगा। मंकी है, क्या देख रहे हैं बाबा, क्या देख रहे हैं? ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर किधर है? नीचे से दिखेगा ट्रैक्टर, बैठ के दिखेगा। कहाँ से दिख रहे हैं? पेड़ों से नहीं दिख रहा, उधर से वो पेड़ों की वजह से नहीं दिख रहा ना। हाँ बेटा, किधर है, कहाँ है ट्रैक्टर, किधर है, किधर है, किधर है? हाँ मैं दिखाता तुझे। मुर्गी को दाना दिया बेटा तूने, मुर्गी को चिपो चिपो तू कर रहा है, तूने बिल्ली को पटक पटक के। यार चल किधर है ट्रैक्टर, किधर है बेटा ट्रैक्टर? ट्रैक्टर तो कोई नहीं दिख रहा है। देख बेटा आज कितने पत्ते काटे आज, वो इतनी बड़ी सीढ़ी लगा के देख, अब नीचे नीचे कट गए ना सब, वो ऊपर से काटे। तो दोस्तों, गांव घर में ऐसा ही है, काम ही काम होता है। देखो पराल भोग के रखा हुआ है, इसका अभी वो बनाना है, कुंजा बनाना है। दो दिन से हम पराल भोग रहे थे। बिल्ली किधर गई, वो रिटर्न नहीं है, फेंक दिया। तो अब क्रिकेट खेल रहा उसके साथ। तो दोस्तों, ये जो ऊपर तार दिख रहे हैं ना, ये पेड़ों में लगे हैं, आपके इधर भी लगे हैं, तो इनको ख्याल करिए, बहुत रिस्की होते हैं। मैंने तो बिजली विभाग को बता दिया, पता नहीं ये कब काटेंगे। ये बिल्ली हमारी खेल रही है। तो कपड़े वपड़े साफ करने हैं, डेली रूटीन है ये गांव में, कपड़े वपड़े धोते हैं दोस्तों। तो आप तो भी धोते ही होंगे। और छोटे छोटे क्या कर रहे हैं, छोटे क्या कर रहे हैं, भाग रहा है छोटे। अभी हमारे तो और कितने काम बाकी है, अभी क्या क्या कर रहे हैं, सब्जियां लगानी है। किसके सब्जी के बीज बोने हैं, सबका बीज ला के एक महीना हो रखा है, अभी तक बोए होते तो हम लोग खाने के लायक हो गया था वो, लेकिन टाइम ही नहीं मिला है। तो आप लोगों ने तो लगा लिया होगा, हम लोग थोड़े ऐसे लेट हो गए इस बार। वैसे हमारे पड़ोस में थोड़ा थोड़ा लगा लिया, सब ने तो नहीं लगाया, वैसे लगा लिया। किधर जा रहे, चलिए देखने चलते हैं ना। वो तेरी गाड़ी भी फेंकी हुई है, तूने पंप भी फेंका हुआ है, गाड़ी भी फेंकी हुई है। आज आ जाओ देखते, आज हर्ष तो छुपा छुपी खेल रहा है मेरे साथ, छुपा छुपी खेल रहा है बेटा, छुपा हुआ है।
ये आ गया, ये भाग के आ गया। हाँ भाग रहा है, छुप रहा है। ये पकड़ दिया। ये यहाँ पर पराल छूटे हुए, पराल की मुट्ठी, हमारे यहाँ इसको पराल का मुठा बोलते हैं। ये इतना होता है साइज में, और इसको भैंस को गाय को खिलाते हैं। इसको फिर ऐसे इकट्ठा करके रखना पड़ता है स्टोर करके। इसमें अभी यहाँ चूहे लगे हुए हैं। ये लगी है इधर भी बहुत है चूहे। क्या लिख रहे हो? कॉक हो। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।